अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह अभी मैं सोकर उठी थी और तो मेरा पार्सल आ गया, जो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी स्किन केयर के हवाले से। तो जी मैंने फ़ौरन से कैमरा मोबाइल उठाया और मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं और अपने सब्सक्राइबर को भी बताते हैं कि मैंने स्किन केयर के लिए क्या क्या ऑर्डर किया है। पहले मैं थोड़े अपने बाल सेट कर लूँ क्योंकि अभी अभी सोकर उठी थी, तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ। और जो मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, चलें जल्दी से इनको ओपन करते हैं। जी ये पहला बॉक्स ये मैंने है मंगवाया है ऑर्डनरी से और ये इस तरह की पैकेजिंग में आया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है द एबनॉर्मल ब्यूटी कंपनी एंड दिस इज सो ट्रू। एबनॉर्मल ब्यूटी कंपनी इसलिए क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कहीं इस क्वालिटी और इस प्राइस के अंदर चीज़ और कहीं से नहीं मिलने वाली। तो चलें जी इसे ओपन करते हैं। चलें जी जो पहला प्रोडक्ट आया है द ऑर्डरिक से वो है जी ग्लाइकोलिक एसिड 7%। ठीक है, ये जो है ये है टोनर। ठीक है, और पीएच लेवल 3.6 है ये। इसके अंदर इस टोनर के अंदर सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री है। सो इन ये सारे मैं आपको पहले बता देती हूँ और फिर ये क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन सा एसिड इससे कॉन्फ्लिक्ट करता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है विटामिन सी और ये है एस्कॉर्बिक ग्लूकोसाइड सॉल्यूशन 12%। मेरी स्किन जैसे कि ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैंने ये वाला विटामिन सी जो है सीरम ये इसके लिए उसके साथ मंगवाया है। और इसके अंदर देखते हैं इसकी पैकेजिंग देख लें, ऐसे है जैसे कि कोई दवाई हो और इसके साथ इस तरह से ड्रॉपर सा बना हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद जी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। ये जी ये है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड आपकी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले रेटिनॉइड भी यूज़ कर चुकी हूँ, वाइटामिन सी मैंने नहीं यूज़ किया, वाइटामिन बी मैं यूज़ करती थी और रेटिनॉइड मैंने नहीं यूज़ किया और डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है तो मैंने सोचा कि इसको मंगवाते हैं, इसको चेक करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देख लें इस तरह किसकी ये पैकेजिंग है। ये भी जी रेटिनॉइड आ गया हमारा। इसके अंदर है ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड 2% इमल्जेंट। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग लेवल है तो मैंने आप हमेशा जब भी स्टार्टिंग करनी है तो आपने मिनिमम डोज से करनी है। मैं इससे पहले इसको ये साइड पे कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जी ओ माई गॉड, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। नाइसिनामाइड है 10% प्लस जिंक। आपको पता है नाइसिनामाइड जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर है, यूजुअली प्रोडक्ट्स के अंदर 3% 4% होता है, इसके अंदर 10% नाइसिनामाइड है, प्योर 10% नाइसिनामाइड है इसके साथ। और जो इनमें मजे की बात है, इन्होंने इसके अंदर 1% जिंक भी डाल दिया और जब नाइसिनामाइड और जिंक इकट्ठे काम करते हैं ओ माय गॉड, यू गोना लव इट। ये चीज ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज किया हुआ है तो इसलिए मैं इसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बता सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट है जी द ऑर्डनरी AHA 30% BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन। इसका जो ऑर्डनरी का पीलिंग सोल्यूशन ये वाला रेड मास्क है, ये आपने वैसे भी कई लोगों को देखा होगा यूज़ कर रहे होते हैं, रेड कलर का मास्क है ये। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, लिटरली बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, ये स्किन को ऐसा ग्लो देता है ना। एक्चुअली ये पीलिंग सोल्यूशन है, आपकी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं ये उसको रिमूव करता है। ज़्यादा डीप के अंदर मैं नहीं जा रही, मैं डिटेल में इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट है, किसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करता है और जिस दिन आपने इसको लगाना है उस दिन आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। पर ये प्रोडक्ट लिटरली बॉम्ब है, अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो समझ लें आपने स्किन केयर के अंदर कुछ भी ट्राई नहीं किया। इसके अंदर AHA है 30%, 30% इज लाइक बॉम्ब। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। चले इसको भी मैं करती हूँ साइड पे, पहले आज सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, प्रोडक्ट्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बेनिफिट है, इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
सो ये हो गया। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है जी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि है सरावे की। सरावे इस टाइम जी टिकटॉक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हर कोई सरावे कर है। तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। मैंने सरावे के प्रोडक्ट पहले कभी यूज नहीं किए इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं सो इट्स मीन कि इसमें कुछ तो है जी। ये देख लें इतना बड़ा बॉक्स है और काफी बड़ा जार है, तो मुझे लगता है ये एक साल आपका कहीं नहीं जाने वाला। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है सेरावे का ही, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी और ये इसका जी सेरावे हाइड्रेटिंग क्लींजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन फ्रेग्रेंस फ्री। इसके बारे में बहुत 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 अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिव्यू आए हैं तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं। मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह देती, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया मुझे, इसका भी और रेटिनॉइड का भी। अच्छा, और इसके अलावा एक और है, ये मैंने किसी और कंपनी से मंगवाया है, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, इसको देखते हैं। तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे पैकेजिंग खोलना। तो ये आप देख रहे हैं जो बॉक्स है पॉलस चॉइस का, वो ऑर्डिनरी का बॉक्स था, फिर सेरावे का, और ये जी पॉलस का है। इसके अंदर ये क्या है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मंगवाया था। ओके जी, ये इन्होंने थैंक यू नोट दिया है, पॉलस चॉइस का है ये ये जी इसके साथ है जो भी है ये जी पॉलस चॉइस का एक्सफोलिएटर है। अच्छा, एक्सफोलिएटर की जब हम बात करते हैं तो बात यह है कि एक्सफोलिएशन के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और एक होता है जी केमिकल एक्सफोलिएशन। और अब तक जिंदगी में मैंने सिर्फ फिजिकल एक्सफोलिएशन किया क्योंकि मुझे केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में पता ही नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। सो मैं यूके आई, हमें लोगों को देखा लोग क्या करते हैं किस तरह नहीं करते, तो फिर मुझे इसके बारे में आइडिया हुआ। फिर मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछा सो उन्होंने भी रिकमेंड किया है। तो मैंने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए, जैसे वो पीलिंग मास्क है, टॉनिक सॉल्यूशन है, ग्लाइकोलिक एसिड वन, एंड दिस वन फ्रॉम पॉलस चॉइस 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट। ठीक है, ये लिक्विड है और ये मैंने सिर्फ अभी इसका छोटा सा पैक मंगवाया है। ठीक है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने इसलिए छोटी बॉटल में मंगवाया है। पहले मैं इसको ट्राई करूंगी ताकि इसका रिजल्ट कैसा है और फिर जो है मैं इसके साथ की डिटेल शेयर करूंगी। ये हो गया सारा मेरी स्किन से रिलेटेड। अब इन चीज़ों को कैसे यूज करना है और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने हेयर्स के लिए जी शॉपिंग मैंने काफी कर डाली जी। हेयर के लिए मैंने सोचा कि हेयर्स पे भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो गार्नियर हेयर फूड बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी मार्केट में और मेरे हेयर प्रोडक्ट्स भी काफी जिसे कहते हैं खत्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई देते हैं। तो मैंने मंगवाया है जी ये गार्नियर का स्मूथिंग हेयर फूड कोकोनट शैम्पू। ठीक है, और ये कहते हैं कि जी ये क्लींस करेगा, स्मूथ करेगा और नो वे डाउन, नेचुरल ओरिजिन, 98% इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरल है। गार्नियर के प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीज तो है। चले अब इसको मैं चेक करूंगी तो ही आपको बताऊंगी। ये देख लें इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ये कोकोनट फ्लेवर मैंने मंगवाया है और काफी सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी हुई है इसके ऊपर जो भी है वह। और इसके साथ ही मैंने साथ ही कोकोनट वाला गार्नियर अल्टीमेट ब्लेंड का हेयर फूड कोकोनट कंडीशनर, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर किया है, इस शैम्पू के साथ जाएगा। ये फिजी एंड अनरली हेयर के लिए मैंने मंगवाया है। वैसे मेरे बाल बहुत अच्छे टेक्सचर के थे, लेकिन आई एम सॉरी मैं बेबी डोरा पीछे है तो मेरे बालों का टेक्सचर काफी खराब हुआ है आफ्टर प्रेगनेंसी। और ये मैंने हेयर्स, ये जो स्किन केयर की ये सारी चीजें मंगवाई हैं, ये मैंने इसीलिए मंगवाई हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये देख लें यहाँ पर इस तरह से निशान। मुझे काफी हाइपर पिगमेंटेशन अपने फेस पे फील हुई है, उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे दाने से बन गए जो स्किन के अंदर है, मतलब वो ऊपर प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहे, बट आई कैन व्हेन आई टच माय यू नो फेस आई कैन फील इट लाइक लिटरली। अगर आप गौर से देखें, ये देख रहे हैं आप, ये स्किन के अंदर है। तो इन सारी चीजों ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने प्रोडक्ट्स चेंज करूं। इससे पहले मैं बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी, मैं उनकी ड्रॉप ऑफ यूज की रेंज यूज कर रही थी और बी की रेंज यूज कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ी है, और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। बट हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से और थोड़ी सी एक्ने की वजह से मुझे अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़े। अच्छा जी, ये शैम्पू दिखा दिया आपको, कंडीशनर दिखा दिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी ये मास्क,
ये भी उसके साथ है, हेयर मास्क है, शैम्पू था गार्नियर का कोकोनट फ्लेवर में, कोकोनट वाला शैम्पू, शोल्डर वाला कंडीशनर और ये कोकोनट वाला हेयर मास्क है। हेयर मास्क में खास बात ये है जी, ये कहते हैं ये 3-in-1 है, आप इसको एज अ कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं, और तीसरी बात यह कि एज अ लीव इन प्रोडक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ओवन इन ड्राई या फिर गीले वालों पर इसको लगाएं और छोड़ दें तो भी अच्छा है। मैंने इससे पहले ये वाली नहीं यूज किया, मैं इससे पहले क्रस्टस का मास्क यूज कर रही थी, ऑफकोर्स वो काफी एक्सपेंसिव भी है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना कंपेयर इट विद द क्रस्टस, बट लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसे है। मैं इन प्रोडक्ट को यूज करूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी आपको मैंने सारे दिखा दिए अपने ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा मैंने आपको सेरावी के दिखाए कि मैंने क्या शॉप किया, पर्लस चार्ज से मैंने एक्सफोलिएटर लिया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और उसके अलावा जी ये मैंने गार्नियर के हेयर के लिए प्रोडक्ट्स लिए हैं ये मैंने यूज किया है। उसके अलावा जो ऑर्डिनरी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उनका आइडिया है, बाकी मैं इसको यूज करने के बाद आप लोगों से शेयर करूंगी अपने स्किन केयर रूटीन और फिर ईच प्रोडक्ट इसमें जो भी एसिड है और उसके अलावा जो सीरम है इसके उनका रिजल्ट कैसा है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।